हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगी। मैं भी एकदम बढ़िया। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। अभी टाइम हो गया है 7:30 हो गया शायद। और अभी हम लोग ना कुछ सामान लाना था वो लेने गए थे, और मम्मी ने हमारे को कुछ यमी यमी भेजा है घर से। तो फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि क्या भेजा है मम्मी ने। और चलो मैं आपको पहले दिखाई लेती हूँ कि क्या भेजा है मम्मी ने। ठीक है, हम आपको घर से सिड्डू भेजे, सिड्डू और लस्सी वगैरह दूध वगैरह भी भेजा है। और ये देखो उसमें स्टफिंग कितनी ज़्यादा यम्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा यम्मी लग रही है। अब हम खाते हैं इसको, खाने को फटाफट से। अरे तब्बू क्या है, मक्खी मार यहाँ पर। तो हम लोग अब खाना शुरू करते हैं। पानी तो लेके आया मेरे को, प्लीज जल्दी ला। ये तब्बू जल्दी ला, पानी ला। तो गर्मी देखो, गर्मी मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। हमने फैन चलाया और अभी ना हम खाना खा लेते हैं। और कैसी है, कैसी बताइए? तृप्ति। और पीछे देखो हमने कितना ज़्यादा गंद फैलाई हुई। और आज ही शनिवार और कल है संडे, तो हम खाना वगैरह खाते हैं। और मैंने अपना फेवरेट चिप्स भी लेके आई हूँ। आज सुबह मैंने व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि यार मेरे को बहुत देर हो गई थी। और सुबह सुबह ना जैसे ही मतलब जाते हैं तो आजकल ना लाइट नहीं होती है सुबह सुबह, तो फिर अंधेरे में क्या ब्लॉग शुरू करना था। तो फिर मैं सोचा कि आज दिखाती हूँ आपको कि मम्मी ने हमको कुछ स्पेशल भेजा है घर से, सिड्डू। तो हम लोग ना खाना खा लेते हैं, ठंडी हो गया वैसे भी। तो मिलते हैं आपको खाना खाने के बाद, अगर खाई तो। और देखो स्टफिंग, देखो स्टफिंग बहुत ही ज़्यादा है। खाते हम लोग, खाना शुरू भी कर दिया है मैडम जी ने। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी हो गया है नेक्स्ट डे, तो आज है संडे। पिछले कल जैसे हमने खाना वगैरह खाया, उसके बाद ना मैं फ़ोन चला रही थी, मेरे को फ़ोन चलाते चलाते नींद आ गई और तो मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई उसके आगे। और अभी हम रूम की सफाई कर रहे हैं। देखो सारे कपड़े वगैरह जो भी है सब कुछ हमने बाहर निकाला हुआ है, कपड़े वगैरह हमने बाहर निकाले हुए हैं। और अभी बना रहे हम ब्रेकफास्ट में बना रहे हैं हमारे सैमी, क्योंकि मम्मी ने घर से दूध भी दिया है तो हमने सोचा कि सैमी बनाते हैं। और सैमी हमारे पास है और सैमी बनाते हैं। उसके बाद मेरे को बहुत सारे कपड़े धोने को आज दिन को, मैंने अभी पानी में डिप करके रखे हैं, फिर मैं कपड़े धोऊँगी। और ये तब्बू, मैंने तो कपड़े धोऊंगी। हाँ तो फिर अभी हम लोग तो सफाई कर रहे हैं और मैं सैमी बना लेती हूँ, फिर सैमी खाते हैं। अब उसके बाद मिलते हैं आपको। तो अभी ब्रेकफास्ट बना रहे हम लोग सवैयाँ, और मम्मी ने दूध दिया था फिर से तो मुझे सवैयाँ बना दो। अभी ना मैंने इसको पकने के लिए थोड़ा सा पानी डाल दिया, और जब ये थोड़ा पक जाएगी उसके बाद मैं दूध और चीनी ऐड करूँगी, तब तक उसको ऐसे रखती हूँ। तो ये बन गई हमारी सैमी, और ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट चपातियाँ, और ये कल के सिड्डू खाएंगे। ये है यहाँ पर सफाई विंडो में, क्योंकि धूल वगैरह बहुत है ना, तो ये अच्छे से साफ सफाई करी है। और हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया अभी, तो अभी भी हमने कपड़े अंदर नहीं लाए क्योंकि धूप में निकाले। और यहाँ पर देखो ऐसे ढेरी लगा के रखा है, तो अभी सफाई करी है। और मैंने ना कपड़े धोने के लिए डाले थे पहले, डिप करने के लिए डाले थे पानी के बीच, तो मैं ना कपड़े धो देती हूँ जितनी देर तक तब वो साफ सफाई करती है। फिर हम लोग थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, और धूप बताऊँ बाहर कितनी, मैं आपको एक बार बाहर का व्यू दिखा देती हूँ किस तरह का है। तो अभी टाइम हो गया है 12 बजने वाले, और मैं अभी अभी फ्री हुई हूँ कपड़े धो के। और देखो मैं पूरी गिल्ली हो गई हूँ कपड़े धोते धोते, और यहाँ से लेकर वहाँ तक मैंने कपड़े धोए हैं। और जो सुबह धोए थे ना कपड़े, वो उठा लिए क्योंकि वो सूख गए थे, उसमें एक बेडशीट थी और तब उन्हें थोड़े बहुत कपड़े धोए थे। तो फिर बेडशीट धोनी थी क्योंकि वो मैली थी, अब हम चेंज करके दूसरी वाली बेडशीट डालेंगे। तो यहाँ देखो, और मेरा दुपट्टा देखो यहाँ पर, ये वाली रेड कलर की प्लाजो से ना मेरा ये वाला दुपट्टा ख़राब हो गया, पूरा वाइट दुपट्टा मेरा। और धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत गर्मी लग रही है मेरे को। तो अभी हमने कपड़े वगैरह सारे अंदर ला लिए, और बेडशीट भी बिछा दी। अब ये वाली बेडशीट एक और धोने को है, अब मैं इसको सर्फ के बीच डाल के रखती हूँ। इसके पिलो कवर है, मतलब बेडशीट तो मैंने डाल दी है सर्फ के बीच, और थोड़े से मेरे को क्या कहते हैं टावल भी थे ना धोने को, तो फिर टावल वगैरह भी मैंने यहाँ पर डाल के रखे, और ये इसकी भी डाल के रखूँगी। अब इसको शाम के टाइम धोऊँगी मैं इस वाली बेडशीट को, अभी धो के रखेंगे ना, तो फिर जब वो वाली बेडशीट धोने को होगी तो फिर अगर ये धो के रखी होगी तो उसको चेंज करके डाल सकते हैं वापस। तो मैं निकल रही सर्फ की भी डाल के रखे मैंने उसको,
और यहाँ पर मैंने सफाई वगैरह कर लिया और ये वॉश विश भी साफ कर दिया और अपना शीशा भी साफ कर दिया। तो यहाँ पर मैं मंदिर की सफाई कर रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम से अच्छे से साफ भी नहीं किया। और यहाँ पर देखो सारी चुनरी वगैरह मैंने नीचे निकाल दिया और ये धूप है, ये दोनों धूप ख़त्म हो गए। तो यहाँ पर मैंने अपना मंदिर अच्छे से सजा दिया है और ये रहा मेरा मंदिर, छोटू सा मंदिर। और ये रहे मेरे प्यारे कान्हा जी और ये चुनरिया है हमको मंदिर से दी थी, ये पता नहीं ये वाली एक हाटकोटी मंदिर से दी थी और एक सरान मंदिर की है। तो ये है यहाँ पर। तो अभी टाइम हो गया है 1 बजने वाला है और हम लोग ना यहाँ पर सीढ़ी में बैठे हैं और तब वो बोल रही है कि मैं तेरे ब्लॉग में नहीं आ रही हूँ क्योंकि मैं बहुत गंदी आ रही हूँ, इसीलिए ये नहीं आ रही है। तो अभी हम यहाँ पर चाचू का वेट कर रहे हैं क्योंकि हमारा ना सिलेंडर ख़त्म हो गया था परसों। तो फिर अभी आज है संडे तो बस स्टैंड में सिलेंडर की गाड़ी आती है तो हम आज वहाँ पर भरवाएंगे सिलेंडर। और मैंने ना जो रूम में कपड़े पहने थे वही पहन के जा रही हूँ क्योंकि मेरे को बहुत आलस लगता है चेंज वेंज करने का, तो मैं सोचा यही पहन के चलती हूँ। और मैंने मास्क लगाया है क्योंकि धूल मिट्टी से मेरे को एलर्जी होती है मैक्सिमम, जो भी मेरे ब्लॉग पहले से उनको पता ही है मेरे को धूल से एलर्जी होती, तो मैं यही पहन के जाती हूँ। और जब से मैंने मास्क पहनना शुरू किया ना कंटिन्यू तो तब से ना मेरे को बिल्कुल भी जुकाम नहीं लग रहा है, तो फिर इसीलिए मैं पहन के जाती हूँ क्योंकि मेरे को जुकाम बहुत गंदा लगता है जब मेरे को जुकाम लगता है। तो ये रही हमारी थैला झुलटी, तो इसमें मैंने पासबुक वगैरह पैसे वगैरह डाले हैं क्योंकि मेरे से हाथ में मेरे को संभाल लेना बहुत गंदा लगता है, मैं फ़ोन भी इसमें डाल के रखती हूँ। तो अभी हम वेट करते हैं, देखते कब तक आते हैं चाचू, उसके बाद जाएँगे हम लोग। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। आज के हम वापस रूम और जो कपड़े धोए थे हमने वो सूख भी गए हमारे, थोड़े बहुत रहते हैं एक दो कपड़े बाहर वो बाहर ही रखे हैं और बाकी कपड़े सारे सूख गए। तो अब कुछ खाने का मन करे क्या खाएं हम, तो हम खाएंगे और हमारे पास है मोड़ी, गेहूं की मोड़ी और इसमें गुट्ठी। तो अभी देखो कैसे लग रहा है उसके अंदर, देखो उसको कट करती हूँ केक की तरह। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। तो अभी ना मैं सो के उठी, मैं कम से कम 1-2 घंटा तो सोई और अभी टाइम हो गया है 3 बजने वाले हैं। और ये मोहतरमा ऐसे ही बैठी है, इसने कुछ भी लंच का इंतज़ाम नहीं किया है। अभी बोली सी कि क्या बनाऊँ, तो मैंने अभी दाल लगी क्योंकि वहाँ पास ना चपाती बची हुई, तो मैंने सोचा कि दाल बनाते शाम तक हो जाएगी फिर शाम को नहीं बनाएंगे। और जो भी ये कपड़े हैं ना सारे तो मैंने उनको फोल्ड कर लेती हूँ, सूख तो गए थे तो मैंने पहले फोल्ड नहीं किया क्योंकि मेरे को आलस लग रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैं सोचा कि अभी कर लेती हूँ सारे फोल्ड, फिर तय लगा के जो रूम वाले कपड़े हैं उनको अलग से और जो मतलब आने जाने वाले कपड़े हैं उनको अलग से करके रखती हूँ। फटाफट से फोल्ड कर लेती हूँ जितनी देर तक दाल पकती है, फिर दाल में तड़का लगाना, फिर खाना खाना और फिर। तो अभी टाइम हो गया 6 बजे और अभी ना हम लोग थोड़ा घूमने जा रहे हैं आगे तक या फिर ऊपर तक, पता नहीं एक अच्छी सी जगह भी नहीं बोल सकता। मेरी मामू की बेटी है ना तो वो बोल रही थी कि दीदी यहाँ पर इतनी सुंदर जगह है तो वहाँ पर आना आप लोग, तो हम अभी हम ना वहाँ पर जा रहे हैं, दिखाऊंगी मैं आपको कैसी जगह है। ठीक है, रही हमारी टीम और मैं उनकी लीडर। और हमने देखो क्या प्लम चुराया है, प्लम। तो अभी हमने यहाँ से प्लम निकाला चोरी करके हुए लोगों के खेत का, पर वो खेत का नहीं था, दीप्ता जी की ज़मीन है तो वहाँ पर लगे प्लम के पेड़, तो हमने वहाँ से निकाले। तो ये भी हरे है पर बहुत टेस्टी है खाने को। तो यहाँ से कितना सुंदर दिखाई दे रहा है सब कुछ। तो ये रहा बस स्टैंड और हम बहुत ऊपर आ गए। बोल बोल तू बोल। तो हम पहुंच चुके हैं चाटी की ऊंचाइयों पर और यहाँ से कितना सुंदर दिख रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर। यहाँ से कितना अच्छा दिख रहा है और हम वहाँ नीचे जाए, नीचे देखो लाल कलर का जो दिख रहा है। हमारे रूम तो हाँ नहीं रहने दे चलो।
ये रही मॉडल और ये रही कैमरामैन। तो अभी टाइम हो गया है 8 बज गए और हम लोग ना थोड़ी देर पहले पहुंच गए थे रूम। तो अभी हम लोग घूमने वगैरह गए थे, आज बहुत बहुत मज़ा आया और थक भी गए बहुत ज़्यादा। तो इस वीडियो के एंड में यही कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।